तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए और गाइस यार आगे बढ़िया रहे। तो गाइस आज की वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में OB36 अपडेट को लेकर बहुत बड़े बड़े अपडेट्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। लिटरली गाइस बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। जैसे गाइस यार हमारे गेम के अंदर बहुत ही चमत्कारी सा ग्रेनेड आने वाला है, जो लिटरली बहुत औसम होने वाला है। मैं दिखाता हूँ कैसा होगा, मतलब लिटरली जैसे भी आप फेंकोगे तो भाई मतलब बहुत ही शानदार का चीज होने वाला है, ठीक है। लिटरली गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है। उसी के साथ साथ और भी मजेदार OB36 अपडेट को लेकर मैं लेके आया हूँ, जिससे गेम होने वाला है इंटरेस्टिंग, ठीक है। जैसे कि आपको पता है आजकल लोग गेम छोड़ के जा रहे हैं, तो गरीना को कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो बेसिकली इसीलिए गरीना इतनी खतरनाक चीजें ला रही है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को देख लेना शुरू से लेकर एंड तक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोग के लिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस पहला जो अपडेट है ना, वो गाइस बेसिकली हमारे गेम के अंदर आने वाले OB36 अपडेट के ग्लूवॉल्स है, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, सामने आप देख सकते हो जो गाइस आप लोगों को ग्लूवॉल देखने को मिल रहा है, ये गाइस बेसिकली हमारे OB36 अपडेट में आने वाला है, ठीक है। और लिटरली गाइस ये जो ग्लूवॉल है दिखने में काफी ज्यादा शानदार है यार, मतलब मेरे को तो यार बहुत ज्यादा पसंद आ गया, सच बता रहा हूँ। लिटरली मेरे को लगता है बहुत ज्यादा लोग इसको टॉप करेंगे। लेकिन गाइस मैंने एक चीज नोटिस, ये जो गाइस ग्लू वॉल है इसकी हाइट मेरे को काफी छोटी लग रही है। पता नहीं यार इसमें छोटी लग रही है कि रियल में भी इतनी छोटी टाइप ये होगी, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। क्या पता इसमें भी दिखा रहे, लेकिन जब असली में यूज करके दिखाएंगे तब पता लगेगा। मतलब हाइट में थोड़ी सी छोटी लग रही है, अगर ये हाइट में छोटी हुई तो फिर तो कोई फायदा नहीं है इतना, क्योंकि आप लोगों को पता है एक ग्लू वॉल थी जो गाइस हाइट में काफी छोटी थी, मतलब इसकी एक ग्लू वॉल की तो वो कुछ काम की नहीं है, शायद फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज की कोई ग्लू वॉल थी, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों से बहुत सारे लोग के पास वो होगा भी शायद, ठीक है। तो पता नहीं इसकी हाइट छोटी है लंबी, वो तो गाइस कुछ दिनों में पता लग ही जाएगा, मतलब दिखने में थोड़ी सी छोटी लग रही है, ठीक है। बात करते हैं गाइजर हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट गाइजर बेसिकली हमारे गेम के अंदर आने वाले एक AN-94 की स्किन से है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे गेम के अंदर एक बहुत तगड़ा AN-94 की स्किन आने वाली है, मतलब इवोल्यूशन AN-94, जिसका लुक आप लोग देख सकते हो भाई साहब, मतलब गरीना क्या क्या लेके आ रही है। कल मैंने आप लोगों को स्कार का इवोल्यूशन दिखाया था, वो तो अलग ही लेवल दिख रहा था, और ये भी गाइस यार कुछ कम नहीं है भाई, ये भी अलग लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो इसका गाइस यार, मतलब पहला लेवल ऐसा होगा, दूसरा लेवल ऐसा होगा, तीसरे लेवल पे आप देख सकते हो लुक ऐसा चेंज हो जाएगा, चौथे लेवल पे आप देख लो कुछ ऐसा गाइस यार इसमें चेंजेस दिखेगा, पांचवें लेवल पे ऐसा और छठवें लेवल पे ऐसा, और फाइनली जो आखिरी का इसका मैक्स होगा सातवें लेवल का, तो आप देख सकते हो कुछ ये ऐसा बन जाएगा आखिरी में, मतलब सांड बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो बेसिकली गाइस ये जो AN-94 की स्किन है, ये गाइस आप लोग की जल्दी आने वाली है, मतलब इवोल्यूशन गन जो ये AN-94 की है। अब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का सवाल आ रहा था कि स्कार की पहले आएगी कि इसकी, तो देखो यार गरीना का जो मन रहेगा तो वही पहले आएगा, अभी कोई कन्फर्म बताया नहीं गया है कि भाई AN-94 पहले आएगा या फिर स्कार, ठीक है। मेरे को लगता है शायद, देखो यार क्या होता है वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो जो भी है जैसा भी गाइस, दोनों गन स्किन काफी ओपी है, ठीक। तो इसके बाद वाला जो अपडेट है ना, वो गाइस यार देखकर आप लोग खुश होने वाले हो, मतलब आप लोग का दिमाग बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है OB36 का अपडेट आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है। अब OB36 अपडेट के अंदर गाइस एक ऐसी चमत्कारी ग्रेनेड आने वाली, ग्रेनेड कह लो या फिर स्मोक ग्रेनेड, ठीक है, जो लिटरली काफी औसम हो गया। मैं दिखा देता हूँ, जैसे आप देख सकते हो ये होगा नया स्मोक ग्रेनेड, जैसे भी हम लोग फेंकेंगे ना तो एक धुएं का ना गाइस मतलब टेंट बन जाएगा, टेंट मतलब एक गोला बन जाएगा, इसके अंदर आप छुप सकते हो। पबजी की तरह सिस्टम ला दिया है लोगों ने, पबजी में भी ऐसे बन जाता है, लेकिन इन लोग का धुआं कुछ अलग ही है, मतलब एक बार में पूरा, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोल सकते हैं यार, कहाँ आ गया मैं अंदर ही अंदर, मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं। मान के चलो भाई इससे गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जो पबजी प्लेयर है, मैंने जब पबजी बहुत पहले खेला था, तो ये जो स्मोक ग्रेनेड है ना गाइस, ये काफ़ी काम आते हैं। मतलब जैसे आप लोग को एनिमी से कहीं भागना है ना, तो ये एकदम इसके अंदर कुछ दिखता ही नहीं, आप लोग ऐसे फेंकोगे तो ये ई स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सही होने वाला है, जो भी बंदे ई स्पोर्ट्स खेलते हैं। वैसे तो फ्री फायर अब पता नहीं कब तक रहेगा, लेकिन ई स्पोर्ट्स प्लेयर जो भी हैं उनको गाइस यार काफ़ी मज़ा आने वाला है इससे, और नॉर्मल प्लेयर्स को भी मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को गाइस स्मोक ग्रेनेड के अंदर ले जाके, मतलब क्या ही बोले यार, तो मतलब काफ़ी अच्छा है, ठीक है, स्मोक ग्रेनेड। आप लोग गाइस कैसा लगा मुझे गाइस कमेंट में बताना। लिटरली गाइस ये स्मोक ग्रेनेड बहुत काम आने वाला है, और बहुत ज़्यादा गेम को ये इम्प्रूव करेगा जितना मुझे लगता है। अब भाई क्या ही बोले, गरीना फ्री फायर लग रहा है कि बैन होने के डर से, मतलब जब से क्रेज़ खत्म हो रहा है, तो गरीना कुछ सोच रही है कि कुछ तो इंटरेस्टिंग लाए, ठीक है, क्योंकि गेम पे कुछ इंटरेस्टिंग अब बचा ही नहीं है, मतलब लोगों का पूरा इंटरेस्ट निकलता जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग गाइस ये स्मोक ग्रेनेड कैसे लगा मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो गाइस बहुत बेस्ट लगा, मैं तो चाहता था बहुत पहले आ जाइए, लेकिन गरीना ने अब जाके दिया, बट जो भी दिया चलो दिया तो सही, ठीक है। तो ये तो था गाइस करिश्माई स्मोक ग्रेनेड। अब इससे भी एक और बहुत ही मस्त चीज़ आ रही है, ठीक है, जो गाइस गेम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा, ठीक है। लिटरली गाइस अब मैं बताता हूँ वो क्या चीज़ है।
तो बेसिकली आपको मैं दिखाई देता हूँ यार, बताऊँ क्या, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आप देखो, ये है गाइस अपना एरिया। यहाँ पर से मैंने मस्त एक ग्रेनेड लिया, ठीक है। अब ये जो ग्रेनेड है, ठीक है, देख सकते हो ऐसा कुछ दिखेगा ग्रेनेड, ठीक है, याद रखना ऐसा कुछ दिखेगा। और ये ग्रेनेड का काम क्या होगा, जैसे मान के चलो मैंने ग्लू वॉल लगाया, ठीक है, ग्लू वॉल लगा दिया, और ग्लू वॉल को आपको पता लगता है, आपको पता है फोड़ने में कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला ग्रेनेड होगा, ये अजीब एसिड टाइप का ऐसा लग रहा है कि, तो आप देख सकते हो कितना जल्दी गाइस ग्लू वॉल को फोड़ देगा। मतलब ये जो ग्रेनेड है, ये गाइस बेसिकली आप लोग का जो ग्लू वॉल है उसको गाइस फोड़ने के लिए होने वाला है, ठीक है। और आपको साथ ही साथ हील भी करने का होगा, मतलब ये दो काम करेगा, थोड़ा सा आप लोग की एबिलिटी भी बढ़ा देगा, कुछ ऐसा गाइस सिस्टम होने वाला है इसका ग्लू वॉल का। लिटरली गाइस काफ़ी तगड़े दो चीज़ लेके आया इस बार गरीना, मतलब मेरे हिसाब से इससे गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ग्लू वॉल आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है गेम पे, और ग्लू वॉल ही फूटने लग गया जल्दी जल्दी। और उसके साथ ग्लू वॉल को शायद क्या पता, मेरे को लग रहा है कि रिप्लेस स्मोक ग्रेनेड कर दें। स्मोक ग्रेनेड कवर तो नहीं देगा, बट ये है कि उसके अंदर से लोग काफ़ी छुप पाएंगे, मतलब छुप छुप के जा पाएंगे दूसरे एरिया पे। ऐसा कैसे पबजी में होता है कि जैसे आपको कहीं दूसरे एरिया में जाता है तो पहले लोग स्मोक कर लेते हैं, स्मोक करके आराम से कवर ले लेते हैं, तो ऐसा गाइस कवर लेने का काम आएगा आप लोग का वो जो वाला स्मोक ग्रेनेड है, ठीक है। तो लिटरली गाइस ये दो तीन जो ग्रेनेड चीज़ लेके आई है ना इस बार, काफ़ी सही चीज़ लेके आई है, और इससे गेम का इंटरेस्ट थोड़ा बहुत बढ़ेगा जनता में, देखते हैं बढ़ता है कि नहीं, ठीक है। तो यार तुम लोग के यार दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, यार मैं OB36 के बारे में तो इतना बात कर रहा हूँ, लेकिन OB36 का अपडेट कब है ये तुम लोग सोच रहे होगे। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूँ, OB36 का जो अपडेट है ना, वो गाइस बेसिकली ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 8-10 दिन बचे हैं इतना मान के चलो। आप लोग जाके गेम पे गोल्ड रॉयल को चेक कर लेना, जिस दिन गोल्ड रॉयल खत्म होता है तो उसी दिन हमारा OB36 का अपडेट होता है। मतलब ज़्यादा दिन नहीं होंगे, मुझे लगता है 8-10 दिन, ऐसे ही कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। हमारा OB36 अपडेट मतलब आप लोग का जल्दी आ जाएगा, आप लोग का चिंता मत करो, ठीक है। तो ये गाइस OB36 अपडेट को लेकर मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आखिरी और फिनाले अपडेट के बारे में। फिनाले अपडेट क्या है, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का सुबह से मुझे कमेंट आ रहा था कि भाई ये वाले रिवॉर्ड कैसे लेने हैं, ठीक है। तो हाइड आउट एक इवेंट है, उसका मतलब किसी मतलब ये जो कुछ कोई लोग आप लोगों को रिवॉर्ड्स दे के दिखा रहे होंगे, ठीक है। अब बेसिकली रिवॉर्ड का है क्या सीन, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। ये जो गाइस हाइड आउट के रिवॉर्ड है ना, तो ये बेसिकली गाइस मेल बॉक्स से मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब सीन क्या हो रहा है, ये जो मेल बॉक्स में आप लोगों को कुछ ऐसा सिस्टम आएगा, क्लिक हियर टू फाइंड द, ऐसे करके लिखा आएगा, ठीक है। अगर आप लोग अपने मेल बॉक्स जाके एक बार चेक कर लेना, और जैसे भी आप लोग इसमें क्लिक करोगे ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा यहाँ पर आप लोग का। अब ऐसा खुलने के बाद यहाँ पर टाइम रिमेनिंग दिखाया जाएगा, इतना टाइम बचा है। अब ये रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, रिवॉर्ड लेने के लिए कुछ नहीं, आप लोग को कोई एक टॉप अप करना पड़ेगा, 100 डायमंड्स का कर लो, 150-200 जितने भी डायमंड का टॉप कर लो। जैसे तुम लोग टॉप करोगे तो तुम लोग को ऐसे क्लेम वाला ऑप्शन आ जाएगा, और क्लेम वाले ऑप्शन पर आकर तुम लोग को गाइजर कोई भी रिवॉर्ड्स लेना पड़ेगा यहाँ से, मतलब एक कोई रिवॉर्ड ले पाओगे। अब बेसिकली ये जो रिवॉर्ड है ना, ये मिल कैसे रहे हैं, तो सीन क्या है कि गाइस गरना फ्री फायर अभी कुछ कुछ बंदों को मेल बॉक्स में गाइजर हाइड आउट का ये ऑफर दे रहा है। बेसिकली ये ऑफर है और ये सबके लिए नहीं है, कुछ लिमिटेड लोग के लिए, ठीक है। तो बेसिकली कुछ लोग को ये आ रहा है, मेरे मेल बॉक्स में तो नहीं आया, बट मेरे एक फ्रेंड के मेल बॉक्स में आया, और आपके भी फ्रेंड के उसमें आया होगा, मतलब 100 में से 30% लोग के ये आया है, ठीक है, ये वाला ऑफर। तो मुझे कमेंट बहुत आ रहे थे, तो बेसिकली ये मेल बॉक्स में आ रहा है, अगर आपका आ रहा है तो आप लोग जाके एक टॉप मार सकते हो, एक टॉप मार के आप लोग कोई भी एक तगड़ा सा रिवॉर्ड ले सकते हो। तो ये गाइस सिस्टम है, ठीक है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम।